एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 साल पहले एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया जहां पर उसे अपने घर से शुरू किया, अपनी सोसाइटी से शुरू किया, जिसे साफ करने का उन्होंने बीड़ा उठाया और गीला और सूखा जो कचरा था उसे अलग करके अपने घर पे ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार करना खुद भी सीखा और लोगों को भी सिखाया, अपनी पूरी सोसाइटी को। और इसका रिजल्ट यह हुआ कि सिद्धार्थ की सोसाइटी को स्वच्छ भारत अभियान के अंदर नेशनल अवार्ड दिया गया। और उनका ये कहना है कि अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और पुणे कचरा कट्टा ग्रुप बना करके वो हर रोज लोगों को इस मूवमेंट का हिस्सा बना रहे हैं। ऑन ग्राउंड जाकर भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं सफाई के लिए और कचरे का सही इंतजाम करने के लिए। उनसे बात करेंगे कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे करते हैं। आज के वो हमारे हटकर पुनेकर हैं हियर ऑन 94.3 रेडियो 1। काफी समय से कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है, अवार्ड भी इनको मिले हैं इसके लिए। लेकिन सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे कि सिद्धार्थ ये सब शुरू की कैसे हुआ, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट। एक्चुअली इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम माई होम। इफ यू लुक एट टूडे डे बाई डे इट्स द वेस्ट मैनेजमेंट और द गार्बेज प्रॉब्लम इट्स गेटिंग ह्यूमंगस एंड इट्स ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल। सो आई थिंक इट्स एवरी इंडिविजुअल नीड्स टू प्ले देयर रोल। एज लॉन्ग एज एन इंडिविजुअल डजेंट प्ले द रोल इट्स नॉट गोइंग टू वर्क विथ ओनली द गवर्नमेंट और द अथॉरिटीज और द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डूइंग इट बिकॉज इट्स लाइक टू मेनी प्रॉब्लम्स, द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर इज लोडेड। सो आई थिंक वी हैव टू मूव टू एन एटीट्यूड वेयर माई वेस्ट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड एट माई होम। आई प्राइमरली वर्क ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स, स्टार्टेड विद माई सेल्फ एंड देन स्लोली प्रोमोटेड इन माई हाउसिंग सोसाइटी विच इज रोजलैंड रेजिडेंसी विच इज एक्चुअली अ स्मॉल विलेज। इट्स लाइक अराउंड 900 फैमिलीज एंड 3,500 रेजिडेंट्स, सो इट्स लाइक अ ह्यूज फैमिली। ऑल द रेजिडेंट्स केम टूगेदर। वॉट वी डिड वॉज वी हैव अराउंड 30 बिल्डिंग्स एंड अराउंड 40 रो हाउसेज। इन ईच बिल्डिंग वी कॉल 2 or 3 वॉलंटियर्स, रेजिडेंट वॉलंटियर्स, सो दैट दे आर इन्वॉल्व इन दिस इनिशिएटिव। Then we formed a group of around 50 volunteers who went door to door for 1 month and then explained to each every family or resident how to segregate the waste. We created a chart which explains what is organic waste, what is recyclable waste, what is sanitary waste, how to segregate that waste. And that is how a 1 month sustained campaign was done, where these volunteers, group of around 50-60 volunteers, went door to door and trained each and every family. Wow. So after 2 years, I would say we have a decent level of around 70-80% of segregation at source, which is a great achievement. It is. Then slowly after spreading it in my housing society, I, along with my other volunteers and team and friends, we started other initiatives in our Pibre Saudagar area. Today, like recycling and reuse is should be the last priority. The first priority should be to reduce the waste, because the waste which is getting generated today is has got multiplied. So I think we have to move from my waste to an attitude or to a change in our behavior and habits where my waste is my responsibility. My waste is my responsibility. बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और वेस्ट कम से कम हो सबसे पहले तो वो ही बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आता है कि उसको मैनेज कैसे किया जाए। आई एम तरुण इन कॉन्वर्सेशन विद सिद्धार्थ नाइक हियर ऑन 94.3 रेडियो 1। पैशन और सोसाइटी के लिए कुछ काम। सिद्धार्थ नाइक आज के हमारे हीरो हैं, आज के हमारे हटकर पुनेकर हैं, जिनसे वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने कहा कि सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है वो तो ये होनी चाहिए कि सबसे कम वेस्ट हो, और दूसरी बात ये कि हमारा वेस्ट हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस एटीट्यूड के साथ काम करना चाहिए। ओके, सो इफ द फर्स्ट टू थिंग्स आर डन, हाउ डू वी हैंडल द वेस्ट देन? सो यू हैव टू सेग्रीगेट वेस्ट इन 3-way सेग्रीगेशन, और वी व्हाट वी कॉल इज दैट 2 bins 1 bag। सो वी ऑलरेडी हैव 2 bins, यू जस्ट एड अ बैग टू इट। So the first level of segregation is all your organic waste, your kitchen waste, your leftover food, your vegetable waste, your fruit waste, anything which is biodegradable waste or organic waste, or you can simply call it like kitchen waste. Second category is very important, which is dry waste or the waste which can be recycled. So this is like mostly your metal, paper, glass, plastic, e-waste. So this comes under the second category, which we call it as recyclable waste or dry waste. Now it is very important to segregate waste, because what we normally do is we pack everything into one bag and we dump it. And that is a mixed waste, and that is mixed waste is actually a poison.
The third category, which is very important for a household level, is the sanitary waste. So if we just do dry and wait, then what do we do about sanitary? If we mix the sanitary waste into organic waste, then the compost which gets created will not be proper. It will get contaminated with the sanitary waste. So it's very important you segregate into a three-way segregation or two bin, one bag. The green bin is for the organic waste. The blue bin or the white bag is for your dry or recyclable waste. And the red bin is actually for the hazardous waste or the sanitary waste. So if you segregate in this three-way or two-bin, one bag, management of this waste becomes very easy. So you can take this compost or organic waste and directly convert it into compost either at your home or at a society level or at the corporation level. So basically most of your waste is used again, and of course whatever is not used can go to, you know, a waste management plant or things like that. Three ways of doing it, and it's very easy if we do it at source. It takes a lot of work off the shoulders of the authorities that are doing it, jahan par jaake bahut mushkil ho jata hai. Hatkar Punekar, aaj ke hamare Siddharth Naik hain, unse main baat kar raha hu 94.3 Radio 1. Stay tuned. Whenever you start any initiative which involves like a change in habits or a change in mindset attitude, it takes time. Initially, it takes time. You might have 10 people, 20 people, but once it gains momentum, you know, it picks up. See, all these initiatives you have to do, you need to make sure that they are sustainable. You do it, you know, day in, day out, and it's not just once in 6 months or 3 months. So that habit of recycling, segregation is there, you know, day in and day out. And it becomes easy for residents to, at their convenience, to go and drop to their nearest location. So you have to make sure that you design solutions in such a way that it becomes very easy for citizens or residents to come and, you know, at their convenience, you know, drop it, segregate the waste and drop it. और ध्यान रखिए कि ये काम आप लगातार करते रहें. आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पर भी यही सेम बात लागू होती है. स्टे ट्यून्ड टू 94.3 रेडियो 1 पुणे एट इट्स बेस्ट.